पप्पू यादव शमशान में कोरोना में सबका लाश नहीं जलाए, हाँ हम आज शमशान घाट में, हमहूँ कुछ दिन में शमशान घाट चल जाएंगे लगता है। माफिया लोग हमरो मार देगा, कोई ठिकाना नहीं। महामारी थी उस समय, हत्या के केस है इसमें भी शमशान का हत्या, वो महामारी थी, वो भी इंसान का था। अब ऐसे मासूम जिसके पास दो टू है, अब ये इनके बच्चे कैसे जिएंगे 16 साल। तो हमको तो लगता है जिस दिन हम निकलते हैं लगता है कि आज पता नहीं लौट के बचेंगे कि नहीं। मारेगा तो ज़रूरी माफिया, लेकिन हम बच गए, मर गए तब तो अलग बात है, बच गए तो हम नाश कर देंगे ये ख्याल। कौन माफिया से डर है आपके? डर किनसे? डर और पप्पू सर 11 साल में अमेरिका से आए थे, माओवादी से लेके नक्सल और इस देश के पीएम से लेके सीएम तब सबसे लड़े हैं। डर सूट एंड साइड की बात कर रहे हैं, नहीं लग रहा कि पब्लिक को उकसाया जा रहा है इस तरीके से? हाँ? सूट एंड साइड की बात आप कर रहे हैं कि नियम बनाना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता कि इस बयान से पब्लिक भी उकसे? हम जा रहे हैं, हमारी बेटी का बलात्कार को कर ले, हमारी बहन को छेड़ेगा तो क्या कहेंगे? थानेदार को आने दो, बाप के सामने भाई के सामने किसी की बहन को उठा के ले जाने लगेगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, यही होगा ना। बहन को जाने तो नहीं देंगे, हमारे बाप के सामने बेटी को लेके जाएगा या तो दांत काटेंगे ना हो, तो या मार दो, जीते जी तो नहीं ले जाने देंगे। पप्पू यादव के सामने कुछ हो जाए और माफिया आदमखोर होता है, यदि आप हाथी को गोली मार सकते हो, आदमखोर जानवर को इंसान को बचाने के लिए मार सकते हो, तो ये चट्टंगा से दुट्टंगा ज़्यादा खतरनाक है। इसको जेल में रहने का राइट नहीं हो, या तो 3 महीने के अंदर ये कानून बना दो एसपीडी ट्रायल करके फांसी, अन्यथा जिस पर एक बार से दोबारा एक्सटॉर्शन और क्राइम का केस हो उसको सूट एंड साइड करके फेंक देना चाहिए, ये मेरी राय। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का समाज को बचाने में कोई राइट नहीं। आप जंगल से हाथी आएगा और आदमी को मारते जाएगा, बच्चों को रोनते जाएगा, तो गोली तो चलेगी ना, क्या कहोगे? नहीं हाथी को छोड़ दो, इसको जल्दी से घेर के पकड़ो, मारने दो। और इसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन कौन करता है? या तो जाति का समाज, या तो नेता, और नेता हर चीज में इन्वॉल्व है। पार्टी अभी जो MLC का टिकट दिया है तो लगभग 47-56 वाले को ही दिया है ना, तो 12,000-15,000-25,000 लेंगे वार्ड सदस्य, 1-2 लाख मुखिया जी जिला परिषद लेके वोट देगा इन 47 वाले को। तो कल जो आपसे पैसा लेके वोट देगा तो आप वसूलिएगा ना MLC बनने के बाद, तो विधान परिषद में बैठाइएगा अपराधियों को, माफियाओं को, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाइएगा सब चोर उचक्का शराब माफिया को, और शराब माफियाओं के बदौलत ही टेंडर माफिया और बस माफिया और एजुकेशन माफिया के बदौलत ही हेलीकॉप्टर हाथ में यहाँ घूमेंगे, या दारू गार ले हम कम से कम 300, कहाँ से हमको ये हेलीकॉप्टर खोज लेगा? हम मेंटल केस हो गए ना वो पदाधिकारी लोग। अब नीतीश जी कार सराहना कर रहे हैं, प्रयास उनका सराहना हो और तरीका गलत हो, और आम आदमी जिस पर अभी हेलीकॉप्टर पर खर्च करने की जरूरत नहीं थी, अपराधियों पर कैसे खर्च करके ख़त्म किया जाए उसकी जरूरत है। ये 1.5 करोड़ डेली आप हेलीकॉप्टर पर खर्च करोगे तो जनता का पैसा है ना, ये तो गलत है ना। आप कहाँ से घर में हेलीकॉप्टर शराब ढूंढेंगे? तो ये कंप्लीट रूप से मेरी समझ बहुत क्लियर है सर, हमें चैलेंज में लेना होगा और अपराधी माफिया और पदाधिकारी के तस्लीम को तोड़ना होगा, और हमें एक नई आज़ादी की लड़ाई बिहार में लड़नी होगी, आम आदमी की ज़रूरत उसकी ज़िंदगी के लिए। हमको अब जीना ही नहीं है बिहार में। गोविंदा की हत्या किसने की? एक बड़े व्यापारियों ने शूटर को पैसा देके करवा दिया। जब मैं ये बात मुख्यमंत्री जी को तो को खबर तो हमने की है कि एक बड़ा व्यापारी जर्दा का एक यंग लड़का डेवलप कर रहा था, उसको मरवा दिया शूटर से। तो हाजीपुर मुजफ्फरपुर जमीन शराब गिट्टी बालू और टेंडर
ये 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 इस बारूद के ढेर पर हाजीपुर मुजफ्फरपुर नालंदा राजगीर नेताओं को ढुकने नहीं देना चाहिए। अब नेताओं को आप अपने शादी ब्याह श्राद्ध बरकी में सब में बुलाइएगा और वही हिस्सेदार होगा बालू का माफियाओं का शराब का जमीन के माफियाओं के साथ। और पदाधिकारी थाने में जमीन के सबसे बड़ा दलाल बैठेंगे, थाने के पीछे में शराब का सबसे बड़ा माफिया बैठेगा और बालू का माफिया थानेदार और नेताओं के गाड़ी पर और नेता थानेदार बालू माफियाओं के गाड़ी पर चलेगा और अपराधी ही तय करेगा कि कौन मुखिया कौन एमएलसी कौन एमएलए कौन एमपी बनेंगे। और जाति का अपराधी जाति के लिए भगवान बन जाएगा तो आम आदमी की जिंदगी कोई नहीं बचा सकता। सर इन अपराधियों को बहिष्कार या समाज से जाति के नाम पर मिटा देना पड़ेगा। ये मेरे जात का अपराधी है इसलिए ये ठीक है प्रोटेक्ट कर दिए क्योंकि लोगों को नेताओं को लगता है इन मंत्री को मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर को कि जो सबसे बड़ा दंगाई जो सबसे बड़ा जाति उन्माद करता है वही जात का वोट और हिंदू मुसलमान का वोट दिला सकता है। सर सोचिएगा सोसाइटी के बारे में। जो सबसे बड़ा बलात्कारी माफिया ड्रग्स माफिया जमीन माफिया ये प्रोटेक्ट करता है किसी पार्टी को पैसे से परिवार को नेता को फॉर्चूनर गाड़ी पहुंचाता है। तो सर जब ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन होगा और समीर की हत्या 47 से करने के बाद कोर्ट बयान बेल दे देगा 4 महीना 6 महीने के अंदर अपराधी निकल जाएगा 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल नहीं होगा। दो दो तीन तीन केंद्रीय मंत्री यहीं का है सुनते हैं तो इन लोग कहें मर रहे सब भ्रष्ट है तो कथी बात है। इन लोग को मरना चाहिए केंद्रीय मिनिस्टर बने हुए लंबा लंबा बात करते हैं। हाजीपुर आर्थिक जोन थोड़ी है अपराध जोन है। सोना की लूट यहीं 47-56 का की मार यहीं सबसे बड़ा गंगा के द्वारा शराब का व्यापार यहीं जमीन का सबसे बड़ा माफिया नेता पदाधिकारी यहीं। सोसाइटी जब तक इन पॉलिटिशियन का बहिष्कार नहीं करेगी और ये पॉलिटिशियन जब तक समाज का आइकॉन बने रहेंगे ये सारा कुकर्म सारे महापाप सारे परिवार के विनाश में और आज जो मानवता खतरे में है बारूद के ढेर पर हाजीपुर है मुजफ्फरपुर है। कल मैंने क्या कहा, मैंने कहा भारत जलपान को 47 लेके गया और जो समीर को मारा गोविंदा उसका बेल हुआ और निकला जाकर के भारत जलपान में ताला लगा दिया। तो भारत गोविंदा मंटुआ का अब शूटर हो गया और सुजितवा हो गया शंभुआ का शूटर। शंभु कहा तुम मंटू को शहर ले लो और मंटू ने कहा शंभुआ को तुम गांव ले लो। बारे बार क्या बंटवारा है भाई। शंभु चले गए राजद के हिस्से में और मंटू चले गए बीजेपी के हिस्से में। बारे बार और 3 कैबिनेट मिनिस्टर बगल में कोई मर जाए भारत सरकार में और सबसे ज्यादा मतलब हाजीपुर रेवेन्यू देता है और पटना के बाद मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच लगता है कि चलो एक डेवलपमेंट का कारण हो सकता है।
अब तो लगभग फैक्ट्री चली गई मुजफ्फरपुर में, तो व्यवसायियों ने कह दिया कि अब हम लोग बिहार में नहीं रहेंगे। कर सकते हैं 14 करोड़ जनता को, अन्यथा इन नेताओं ने ये मान लिया है कि मैं आका हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जनता मेरे पैर के तले है, 500 और दारू के बोतल पर और पैसे पर और जाति और हिंदू मियां करके मेरी औकात है वोट लेने की। जनता की औकात मात्र 500 रुपया है और एक दिन पहले दारू है। तो जब नेता ये मान ले कि एक ही दिन जनता को खरीदना है और 5 साल तक हमको लूटना है, तो फिर डर किस बात का? हिम्मत अपराधियों की माफियाओं के भीतर आता कहाँ से? ये हिम्मत सिर्फ सत्ता और कुर्सी पैदा करती है अपराधियों की। इस हिम्मत को खत्म करना पड़ेगा। डर नाम की चीज खत्म हो गई और ये जो बड़का बड़का केंद्रीय मंत्री और मंत्री है, पूरा बलात्कार हो रहा है, कहीं जाता तक नहीं है और दिल्ली बम्बई पटना से हवाई से फुर्सत नहीं है, और फिर चुनाव में आएंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर जीत के चल जाएंगे आजाद के नाम पर, तो बिहार को कोई नहीं बचा पाएगा। ये मैं ABP News आपको रखे आगे।